गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। सुबह के 6 बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं और आज है 15 अगस्त। तो गाइस, आप सभी को स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, जैसे आपको मालूम है 75 ईयर्स हो गए हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, तो इसी के अवसर पर थाने में एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज की है। काफ़ी सारे बाइकर्स रहेंगे वहाँ पर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 5 से 6 किलोमीटर दूर है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ऑल सेट रेडी। गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। आप देखोगे कितनी खूबसूरत लोकेशन है। तो बेसिकली ये जो रैली है, दिस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कल्पतरू डेवलपर्स। ये बिल्डर्स है कंस्ट्रक्शन में। ये इनका पीछे जो दिख रहा है, ये इनका ऑफिस है और दिस इज़ हाउ इट इज़। तो यहीं से रैली शुरू होने वाली है। तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाते जाऊँगा। तब तक के लिए आप ये व्यू देख लीजिए। On behalf of Utsav 75 celebrations, so guys, bike सब line up हो रहे हैं और अभी start हो जाएगी एक 10 मिनट में, 5-10 मिनट में start हो जाएगी rally। इसके पहले वाली आवाज़ record नहीं हो रही थी क्योंकि मैं भूल गया adapter लगाना और मैं बके जा रहा था, तो सिर्फ picture आएगा, there will be no noise। तो अभी हम जा रहे हैं, विल बी पार्ट ऑफ द मार्शल्स। बहुत सारे बाइकर्स है, दिस मस्ट बी लाइक 100+, या मोर देन दैट। Thank you.
भारत माता की You know, and the curators of Utsav 75, I mean, I have been in touch with them for the last 45 days or so, and you know, the way they have pulled off this entire Thane festival for Thanekers, by Thanekers, it's amazing, and you know, I have seen it, you know, come together piece by piece, so a big hand for Mr. Sripad, who is the curator for all these events. This ride was conducted for Utsav 75. The celebrations which has been ongoing for past 4 days, and it was organized by R4C. R4C stands for Ride for Cause. We have been active since past 6-7 years. I'm sure there are a lot of common faces who have attended our rallies and they have been regularly attending. R4C is about social awareness, social cause. So strap hota hai. Aap agar strap nahi lagate ho, aapka helmet useless hai. हेलमेट अगर आपका लूज है यूजलेस है प्लीज डोंट वेयर इट हेलमेट टाइट या लूज नहीं होना चाहिए स्मार्ट फिट होना चाहिए और स्ट्रैप लगना जरूरी है एटलीस्ट ये चीज आप लोग आगे आपके पहचान वाले में है रिलेटिव में है उनको आप फैलाओ काफी रूल्स फॉलो करो दे आर फॉर आवर ओन सेफ्टी कुछ लोग बैठे थे लाइक ऑन अ कॉफी एंड एक ऐसा थॉट आया कि कंट्री इज सेलिब्रेटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तो हर जगह चल रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी इज अ वेरी नोशनल कंसेप्ट सो इफ द कंट्री गॉट फ्री इवन द सिटीज ऑल्सो गॉट द फ्रीडम ऑन द सेम डे एंड द सेम थिंग यू विल बी अमेज टू नो दैट दिस सिटी देर इज वन स्कूल विच एक्चुअली डज द फ्लैग हॉस्टिंग एट 12:01 एट मिडनाइट फॉर लास्ट 75 इयर्स एंड यस्टरडे देर वॉज अ मशाल मार्च बिकॉज दैट वॉज अ टाइम वी गॉट इंडिपेंडेंस So there was a Mashal March yesterday night because they had a Mashal March at that time. So Mashal March, not Morcha. So they had recreated that yesterday night. And there were a lot of other places where also people have done the flag hoisting or sung national anthems yesterday at 12:01. लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद